तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं फेक कॉपीराइट स्ट्राइक को कैसे हटाएं और इसमें जो काउंटर नोटिफिकेशन होता है उसे किस तरीके से फिल करना है, क्योंकि दोस्तों काफ़ी भाइयों को अगर यूट्यूब पे काम कर रहे हैं तो आपको कॉपीराइट स्ट्राइक से आपको सामना करना ही पड़ा होगा। क्योंकि दोस्तों कई बार आप रियल गलती करते हैं, यूट्यूब तरफ से कोई भी उल्लंघन करते हैं तो अभी आपको कॉपीराइट स्ट्राइक आपकी वीडियोज़ को रिमूव कर दिया जाता है। तो काफ़ी भाई क्या गलती करते हैं, जिस वीडियो को रिमूव किया जाता है वो अपनी तरफ से डिलीट कर देते हैं। अगर आपको फेक भी मिली है या फिर सही मिली है, कोई भी आपको कॉपीराइट स्ट्राइक आपने गलती किया तब मिली है, तो आपको उस वीडियो को नहीं डिलीट करना है। उसमें करना क्या है, अगर आपको फेक मिली है तो आपको वहाँ पर यूट्यूब एक चांस देता है, आप काउंटर नोटिफिकेशन कर सकते हैं। दूसरा चांस ये मिलता है आपको, वहाँ पर आपको मिल जाता है कि आपको इसको ईमेल आईडी मिल जाती है जो भी आपको जो है फेक कॉपीराइट स्ट्राइक दिया है, जिसकी वजह से दिया है उसके बारे में यहाँ पर फुल डिटेल में बात कर मिल जाती है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करूँगा, यहाँ पर मेरे चैनल पे जो है फेक कॉपीराइट स्ट्राइक आई है। सबसे पहले आपको ईमेल दिखाता हूँ, इसके बाद आपको सारी चीज़ें शो करता हूँ। तो यहाँ पर ईमेल देख लीजिए, ये देखिए 6:21 जो है एएम पे आया है आज ही सुबह में, ये कॉपीराइट स्ट्राइक मुझे मिलेगी। यहाँ पर देख रहे हैं आपकी वीडियो, यहाँ पर हाईटेक वाईटी ज्ञान वी आर रिसीव कॉपीराइट रिमूवल रिक्वेस्ट योर वीडियोज़, यहाँ पर मिल चुका है। यानी कि आपकी वीडियो रिक्वेस्ट आ गई है, आपकी वीडियोज़ यहाँ पर यूट्यूब के लॉ के हिसाब से यहाँ पर आपके वीडियो रिमूव कर दी गई है। तो आपके वीडियो का टाइटल यहाँ पर दिख जाएगा, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं फेसबुक, यहाँ पर फेसबुक फ्रेंड को फॉलोअर्स में कैसे बदलें, मैंने इस पर एक वीडियो क्रिएट किया था। और वीडियो का URL दिख जाएगा, कंटेंट यूज़ दिखेगा यहाँ पर, इसमें मिल रहा है लोगो, फेसबुक लोगो जो मैंने यूज़ किया है उस वीडियोज़ में, वो है फेसबुक लोगो। इसके बाद यहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर आप सभी का दिख रहा होगा कंटेंट फ्रॉम कस्टम थंबनेल, यानी कि मेरे थंबनेल पे भी मिला हुआ है। तो ये जो दिया हुआ है यहाँ पर देख रहे हैं, रिमूवल रिक्वेस्ट इशू बाई फेसबुक, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से, यानी ये फेक है। यहाँ पर देखिए फेसबुक क्यों देगा, अगर अब मैं फेसबुक का लोगो यूज़ करता हूँ तो फेसबुक का प्रचार ही होगा, तो उसमें फेसबुक मुझे क्यों देगा। यहाँ पर देखिए FB सोशल मीडिया कुछ इस तरीके से, एड ग्रेट टेलर AI कुछ इस तरीके की वेबसाइट है जो कि मुझे दी है। तो इसके लिए करना क्या होता है, कई लोग क्या करते हैं इससे संपर्क करते हैं, यानी कि इनसे संपर्क करते हैं तो कई बार ये पैसा भी मांगते हैं। आपको इनसे संपर्क नहीं करना है, अगर आपको फेक कॉपीराइट स्ट्राइक मिली तो आपको इनसे संपर्क भी नहीं करना है। अगर आप संपर्क कर रहे हैं, अगर हटा ले रहे हैं आसान तरीके से, पैसे नहीं ले रहे हैं तो आप संपर्क करके हटवा सकते हैं, लेकिन अगर पैसे ले रहे हैं तो उस कंडीशन में आप सिंपली बैक आ जाइए, अपनी YouTube स्टूडियो को ओपन कर लीजिए। चलिए आपको बताते हैं, यहाँ पर देखिए YouTube स्टूडियो मैंने ओपन कर लिया है। तो यहाँ पर एक्टिव कमिटी गाइडलाइन स्ट्राइक यहाँ पर दिख रहा होगा, एक्टिव कमिटी गाइडलाइन स्ट्राइक, जब भी आपको फेक कॉपीराइट स्ट्राइक मिलती है तो आपको 10 दिन का मौका मिलता है, 10 दिन के अंदर आपको भी काउंटर नोटिफिकेशन सबमिट करके अपनी स्ट्राइक को हटा सकते हैं। उसके बीच में आप वीडियोस को अपलोड कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पर आपको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसी पर आप क्लिक कर सकते हैं। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगी जो भी आपकी स्ट्राइक होगी, यहाँ पर दिख जाएगा और स्ट्राइक के बारे में भी बताया गया है। अगर 3 महीने के अंदर आपके चैनल पे 3 स्ट्राइक आ जाती तो आपको चैनल को परमानेंटली रिमूव कर दिया जाएगा। तो इसको भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो मुझे स्ट्राइक मिली है, स्ट्राइक यहाँ पर ऑन 28 दिसंबर, और ये सब सारी चीज़ें दिख रही होगी। तो यहाँ पर जो वीडियोस दिख रही है, इसके बगल में आप जाएंगे तो टेक एक्शन का ऑप्शन मिला है। मैं मोबाइल प्रोसेस इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि काफ़ी भाई मोबाइल को यूज़ करते हैं, तो टेक एक्शन वाले बटन पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। टेक एक्शन वाले बटन पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए कंटेक्ट क्लेमेंट, यानी कि जो भी आपको आप इससे कंटेक्ट करते हैं कर सकते हैं, जिसका जो है जिसने मुझे यहाँ पर उसका ईमेल आईडी मिल जाता है, उससे कांटेक्ट कर सकते हैं जिसने मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक दिया। लेकिन मुझे इससे कांटेक्ट नहीं करना है, मुझे यहाँ पर सबमिट फॉर काउंटर नोटिफिकेशन है, अपील फॉर नोटिफिकेशन इलीगल रिक्वेस्ट, यहाँ पर कुछ इस तरीके से मिल जाएगा कि आपके अगर वीडियोज है तो आप यहाँ पर अपील करिए, यहाँ पर 10 दिन के वर्किंग डेज में आपका यहाँ पर फाइनल डिसीजन आ जाएगा कि क्या होगा आपका। तो सिंपली इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। कंटिन्यू पे जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर ध्यान समझिएगा, यहाँ पर एक बॉक्स दिखेगा, आई अंडरस्टैंड जो भी है आपका, यहाँ पर ओके कर दीजिए। इसके बाद इस साइड आइए, कंटिन्यू पे क्लिक करिए। कंटिन्यू पे जैसे क्लिक करेंगे इसके बाद फिल क्या करना है, यहाँ पर देखिए जूम करते हैं। सबसे पहले फुल इलीगल नेम आपको, इसके बाद फ़ोन, यहाँ पर फ़ोन नंबर, ईमेल, इसके बाद कंट्री,
इसके बाद यहाँ पर आपको एड्रेस डालना है, जो भी आपका एड्रेस है सिटी डालना है, इसके बाद फिर से कंट्री, यहाँ पर पोस्ट कोड। तो चलिए यहाँ पर सारी डिटेल फिल कर लेते हैं, इसके बाद आगे प्रोसेस आपको बता। तो यहाँ पर सारी डिटेल फिल करने के बाद, इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे नीचे में आपको यहाँ पर कंटिन्यू का बटन दिख रहा होगा। कंटिन्यू पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, इसके बाद आप यहाँ पर देख रहे हैं वाई सोल्ड योर वीडियोज, यहाँ पर आपको रिक्वेस्ट करना होगा, यानी यहाँ पर लिखना होगा, आपको एक्सप्लेन करना होगा अपनी वीडियोज के बारे में कि आपने वीडियोज में क्या क्रिएट किया है। और यहाँ पर एक्सप्लेन, यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सप्लेन अवर इन वीडियोज, यानी आपके क्या आपने ऐसी कुछ मिस्टेक की है या फिर किस मिस्टेक की वजह से आया हुआ है उसके बारे में लिखना होगा। तो यहाँ पर दोनों बॉक्स में यहाँ पर टिक कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर मैंने ऑलरेडी गूगल ट्रांसलेशन से यहाँ पर मैंने लिखा था, आप जाएंगे, आप लिखेंगे हिंदी टू इंग्लिश गूगल पे। इसके बाद डियर यूट्यूब टीम, मैं इस वीडियो में किसी भी प्रकार का जो है कॉपीराइट वीडियोज या फिर कोई भी इमेज, कोई भी सॉन्ग मैंने इस्तेमाल नहीं किया है, मेरे इस वीडियो पे गलत तरीके से कॉपीराइट स्ट्राइक दिया गया है। मैं आपसे अपील करता हूँ, कृपया मेरे चैनल पर से कॉपीराइट स्ट्राइक हटाने की कृपा करें। तो जब मैं इसे हिंदी में लिखूंगा तो ये देखिए इंग्लिश में आ गया, डियर यूट्यूब टीम आई हैव नॉट यूज एनी टाइप कॉपीराइट वीडियोज एंड इमेज, यहाँ पर कुछ इस तरीके से। तो सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, इसी को कॉपी कर लीजिए, ठीक है, ये जो है आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पर सिंपली इसे यहाँ पर वाई सोल्ड जहाँ पर लिखा हुआ है वीडियोज, यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर काउंटर नोटिफिकेशन पे यहाँ पर सबमिट कर देना, ठीक है, आपको ध्यान में देना है। अगर आपको लिखने नहीं आ रहा तो मुझ पर इंस्टाग्राम पर डायरेक्टली मैसेज करेंगे किस लिए आपके वीडियोज़ पे आया है कॉपीराइट स्ट्राइक या फिर फेक कॉपीराइट स्ट्राइक आया है, तो वो बताएंगे तो मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से लिखना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर सबमिट पे क्लिक कर देना, यहाँ पर देखिए सबमिट का। तो जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे, अगर कोई भी दिक्कत रहेगा तो यहाँ पर देखिए, एक मैंने बॉक्स पे टिक नहीं किया था, तो आपको यहाँ पर कोई यहाँ पर बॉक्स पे टिक कर देना है, सभी बॉक्स पे यहाँ पर टिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर अगर नीचे कुछ भी बसता है तो उस पर टिक कर देना है। यहाँ पर आपको सिग्नेचर रिक्वायर्ड मांग रहा है, तो यहाँ पर सिग्नेचर आप जिस तरीके से करते हैं, तो मैं हिंदी में सिग्नेचर करता हूँ, तो मैं यहाँ पर हिंदी में डाल दूँगा। आपको भी सिग्नेचर जो भी है आप अपना हिंदी में यहाँ पर टाइप कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं हिंदी में टाइप कर देता हूँ, तो मैंने टाइप कर दिया। इसके बाद यहाँ पर सिग्नेचर टाइप करने के बाद सबमिट बटन, दोस्तों यहाँ पर जैसे ही सबमिट वाले बटन पर क्लिक करते हैं, इसके बाद यहाँ पर आपको आ जाता है काउंटर नोटिफिकेशन सबमिट, यू आर काउंटर नोटिफिकेशन हैव बीन सबमिट योर फॉर रिव्यू योर यहाँ पर सबमिट टू यूट्यूब फॉर रिव्यू, यानी आपको यूट्यूब अब रिव्यू करेगा 10 बिजनेस डेज के अंदर। आपको यहाँ पर अगर उसके पास जो भी आपको कॉपीराइट स्ट्राइक दिया उसके पास प्रूफ नहीं है, तो ऑलरेडी अब आपको क्या करना पड़ेगा, यूट्यूब ही आपको जो आपको स्ट्राइक दिया है उसके चैनल पे ही स्ट्राइक दे देगा। तो कुछ इसी तरीके से यूट्यूब का जो भी फेक कॉपीराइट स्ट्राइक होता है उसे जो है रिमूव किया जाता है, यानी कि काउंटर नोटिफिकेशन के थ्रू ही रिमूव किया जाता है। तो ये प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा आसान होता है, लेकिन कई बार होता क्या है कि आपका सिग्नेचर नहीं लेता, मेरे कंडीशन में सिग्नेचर नहीं ले रहा था, तो मैं क्या किया, मैं अपने लैपटॉप पे गया, लैपटॉप पे जब गया तो वहाँ पर सिग्नेचर ले लिया, यानी कि मोबाइल फ़ोन में सिग्नेचर नहीं ले रहा था। फुल इलीगल जो नेम होता है वही सिग्नेचर में डालना होता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि आपके मोबाइल फ़ोन में नहीं लेता, उस कंडीशन में आप दूसरे मोबाइल फ़ोन में भी यूज कर सकते हैं और दूसरे मोबाइल फ़ोन से ही काउंटर नोटिफिकेशन कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो इंटरेस्टिंग और नॉलेज लगी होगी, और कोई भी इसके रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो रही काउंटर नोटिफिकेशन रिलेटेड तो मुझे कमेंट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर डायरेक्टली, और मेरे इस वीडियो पे भी कमेंट कर सकते हैं। अभी तक इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय।